नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं एल्गो क्रैब का वीडियो ट्यूटोरियल और मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा ही है कि आज के वीडियो में भी हम बात करेंगे एक और प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजी के बारे में। तो दोस्तों, जिन लोगों को प्राइस एक्शन के बारे में नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि ये एक नई टेक्निक है जो कि प्रो ट्रेडर्स आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर को यूज़ करते हैं या मूविंग एवरेज को या RSI को या MACD को, जब आप इन इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमको डायरेक्शन चूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। यानी कि बॉटम से लेके काफ़ी ऊपर तक अगर मार्केट ऊपर आ गई, उसके बाद मतलब हाफ मोमेंट होने के बाद आपको पता लगता है कि अभी मार्केट में बाइंग जोन स्टार्ट हुआ है या सेल जोन स्टार्ट हुआ है। लेकिन प्राइस एक्शन की स्ट्रैटेजी इसको बहुत जल्दी कैप्चर कर लेती है, क्योंकि इसमें हम लोग ब्रेकआउट्स का इस्तेमाल करते हैं और ब्रेकआउट्स के हिसाब से हम लोग जो है मार्केट को एनालाइज़ करते हैं। इसमें इंडिकेटर्स का यूज़ नहीं होता तो लैगिंग नहीं होती है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा वीडियो, अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगा। और मैं अगर आप पहले व्यूअर्स हैं हमारे और अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर मिलने वाली इन्फॉर्मेशन आपको कहीं और से नहीं मिलेगी और हम इसी तरीके की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपके साथ प्रस्तुत करते रहते हैं और आपको बताते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज के वीडियो में समझते हैं प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी क्या होती है और कैसे काम करती है। सबसे पहले जो आप जो अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारी वेबसाइट है algocrab.com। जब आप यहाँ पर आते हैं और पहली बार रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 6 दिन के लिए हमारी वेबसाइट को फ्री में यूज़ करने का ऑप्शन मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी वेबसाइट पर आने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो। तो उसके लिए अगर आप हमारी वेबसाइट पर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। पहला है स्ट्रेटजीज, दूसरा है ब्रिज, तीसरा है कोडिंग और चौथा है बिजनेस। मैं आपको 1 मिनट में ये सारी चीज़ें बता देता हूँ, फिर हम अपने कॉन्सेप्ट पे आगे चलेंगे। तो दोस्तों, स्ट्रेटजीज़ का जो ऑप्शन है वहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म पर जितनी भी स्ट्रेटजीज़ अवेलेबल हैं उन स्ट्रेटजीज़ को आप यूज़ कर सकते हो। उन्हीं में से एक स्ट्रेटजी है जिसकी आज बात करेंगे हम, जिसका नाम है इंट्रामैक्स। तो अलग अलग स्ट्रेटजीज़ को आप चूज़ कर सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म पर और उनके थ्रू अपना ट्रेडिंग को परफॉर्म कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है ब्रिज। ब्रिज को हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई अपनी खुद की स्ट्रेटजी है जिसको हमने डेवलप किया हुआ है या फिर हमको किसी से डेवलप कराना है ट्रेडिंग व्यू या MT4 के अंदर। तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू या MT4 यूज़ करते हैं और उसमें कोई स्ट्रेटजी बनाकर उसके थ्रू आप हमारे प्लेटफॉर्म का यूज़ करके ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप ब्रिज टूल को यूज़ कर सकते हैं। ब्रिज टूल को यूज़ करना बहुत ही आसान है, उसके बारे में हमने वीडियोस बनाए हुए हैं तो आप वीडियोस देख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कोडिंग। कोडिंग में क्या होता है कि अगर आपको कोई स्ट्रेटजी बनवानी है खुद से MQL की यानी MT4 की या फिर ट्रेडिंग व्यू की कोई स्ट्रेटजी, कोई भी चीज़ आपके दिमाग में है कि ऐसा ऐसा होने पर मुझे बाय या ऐसा ऐसा होने पर सेल करना है, तो वो हम आपको ट्रेडिंग व्यू या फिर MT4 में डेवलप करके दे सकते हैं। उसके लिए 1 टाइम डेवलपमेंट कॉस्ट लेते हैं और उस कॉस्ट को पे करके आप उसको यूज़ कर सकते हो। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपको बिजनेस का मिलता है। बिजनेस का मतलब ये है कि अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म के जैसा ही प्लेटफॉर्म बनाकर उसको आप अपने क्लाइंट्स को देना चाहते हैं, अपने नाम से ब्रांडिंग करके देना चाहते हैं, तो आप हमारा वाइट लेबल सोल्यूशन ले सकते हैं। उसके लिए आप हमारे दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। तो अब हम वापस चलते हैं अपने मुद्दे पर और मैं आपको बताता हूँ कि इंट्रामैक्स की स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ अपना अकाउंट। ये मेरा अपना अकाउंट लॉगिन किया तो लॉगिन करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन है ऑथेंटिकेशन, जहाँ पर मुझे अपना ब्रोकर लिंक करना होगा। मैंने यहाँ पर अपना एंजल का अकाउंट लिंक किया हुआ है। आज सुबह मैंने इसमें टोकन लिया है 8:52 पर। अगर आप वैलिडेट टोकन करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक्सेस टोकन वैलिड मिल जाएगा। ब्रोकर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 30 से ज़्यादा अलग अलग ब्रोकर हैं। आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट करके उसको आप ऐड ऑन कर सकते हैं और उसके साथ लिंकिंग करके अपना कनेक्शन बना सकते हैं। तो सबसे पहला और जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो है ब्रोकर लिंकिंग, जो कि ऑथेंटिकेशन के सेक्शन पर जाके करना होता है। ये काम आपको रोज़ करना होता है। कुछ ब्रोकर्स में आपको रोज़ नहीं भी करना होता है, कुछ ब्रोकर्स में आपको ये तो कुछ ब्रोकर ऐसे भी होते हैं जिसमें कि आपको ये रोज़ रोज़ नहीं करना होता, कभी कभी आपको करना होता है और उसके बाद आपका ये चलता रहता है। मतलब कि डेली टोकन लेने का प्रोसेस जो है कुछ ब्रोकर्स का है, कुछ का नहीं है। मेजर ज़्यादातर ब्रोकर्स का ये डेली का ही है। तो आप ये ध्यान रखिए कि रोज़ आपको टोकन लेना है और ब्रोकर लिंक करना है। जिस दिन आप लिंक नहीं करेंगे उस दिन आपका ट्रेड नहीं होगा। अब यहाँ पर आप डैशबोर्ड पर जा सकते हैं। डैशबोर्ड पर आपको देखने को मिलेंगी स्ट्रैटेजीज़ हमारी। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसमें कि ईगल का मैंने पहले वीडियो बनाया था, इंट्रामैक्स का मैं आज बना रहा हूँ।
तो इंट्रामैक्स स्ट्रैटेजी के बारे में मोर इन्फो पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसकी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए आपको इसमें एक टाइम सेलेक्ट करना होता है कि कौन से टाइम से लेके कौन से टाइम के बीच का आपको ब्रेकआउट चाहिए। ये सेम ही ईगल ट्रेडिंग सिस्टम का फंडा है और सेम ही इंट्रामैक्स का है, बस एक छोटा सा फ़र्क है इंट्रामैक्स और ईगल में, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने मान लीजिए डिसाइड किया कि 9:15 से लेके जब मार्केट खुलेगी उसके बाद से 9:30 बजे के बीच का हम हाई और लो को कैप्चर करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये 5 मिनट का चार्ट है और इसमें 9:15, 9:20 और 9:25 ये तीन कैंडल्स हैं, जो कि ये 9:15 वाली 9:20 पे क्लोज होगी, ये 9:20 पे बनेगी 25 पे क्लोज होगी, और ये 9:25 पे बनेगी 30 पे क्लोज होगी। तो सबसे पहले काम हमें ये करना होता है कि इनका हमें हाई और लो को मार्क कर लेना है। ठीक है, ये आपका हाई मार्क हो गया और ये आपका लो मार्क हो गया। तो अब क्या होगा कि इसका जो हाई है वो है 21,959 और जो इसका लो है वो है 21,885। तो होगा क्या कि जब नेक्स्ट कैंडल में मार्केट जब उस लेवल को ब्रेक करेगा, यानी कि जब 21,959 को जैसे ही ब्रेक करेगा प्राइस, इमीडिएटली, हाँ इमीडिएटली आपका ट्रेड हो जाएगा। ईएल ट्रेडिंग सिस्टम में कैंडल क्लोजिंग का वेट होता है। अगर आप कैंडल क्लोजिंग का वेट करने जाएंगे तो आप यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक लमसम आपको 14-15 पॉइंट मिस हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इंट्रामैक्स यूज़ करेंगे तो आपका वो मिस नहीं होंगे और इमीडिएटली आपका ट्रेड हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ के बाद मार्केट ऊपर गया है और लमसम आपको 60-70 पॉइंट्स का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला है। तो इस तरीके से इंट्रामैक्स की स्ट्रैटेजी काम करती है, जो कि प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी है। इसमें कोई भी इंडिकेटर इंक्लूड नहीं होता, कोई भी इंडिकेटर इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैं कोई इंडिकेटर यहाँ पर अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको, तो अगर आप इंडिकेटर से कंपैरिजन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना क्विक आपको सिग्नल्स दे देता है। जैसे मान लीजिए मूविंग एवरेज में मैं यहाँ पर 50 पीरियड की मूविंग एवरेज यूज़ करना चाहता हूँ, तो जब मैं 50 पीरियड की मूविंग एवरेज यूज़ करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर मुझे जो सिग्नल मिला बाय का, तो इसमें कहाँ सिग्नल मिलेगा, यहाँ आपको इस कैंडल के क्लोजिंग पे आपको सिग्नल देखने को मिलेगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट थोड़ा ही बहुत ऊपर गया, लेकिन इंट्रामैक्स में आपको पहले एंट्री मिल गई है। पहले एंट्री मिलने से आपको फ़ायदा होगा कि आपके पॉइंट्स जो है वो ज़्यादा मिलेंगे। तो ये था दोस्तों इंट्रामैक्स को यूज़ करने का तरीका, किस तरीके से काम करता, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जो ये पीरियड हमने लगाया था इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ 5 मिनट का ही ब्रेकआउट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, 5 मिनट का ब्रेकआउट यूज़ कर सकते हैं, 5 मिनट के हाई और लो के ऊपर आपका ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, 10 मिनट करना चाहते हैं तो 2 कैंडल्स को यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, और 15 मिनट करना चाहते हैं तो 3 कैंडल, ऐसे आधा घंटा या 1 घंटा करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप इस चीज़ को कर सकते हैं और उसके हिसाब से आपका ट्रेड होगा। तो अब हम अपने प्लेटफॉर्म पर चलते हैं वापस और मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको अगर इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो क्या करना होगा। दो तरीके हैं आपके पास, पहला तरीका कि आप फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं, दूसरा तरीका कि आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको एक बहुत ही बेहतरीन फीचर मिलता है, उसको मैं आप आगे बताता हूँ। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कस्टमाइज स्ट्रैटेजी में जाके सिंबल क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रिएट सिंबल पर जाना होता है, यहाँ आपको स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद आपको सिंबल सिलेक्ट करना होता है। कोई भी सिंबल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर लिखता हूँ तो यहाँ पर निफ्टी के फ्यूचर्स मेरे को यहाँ पे मिल गए। जैसे मान लीजिए मुझे मार्च का फ्यूचर चाहिए तो मैंने मार्च का फ्यूचर यहाँ पे सिलेक्ट किया, उसके बाद ऑर्डर टाइप में MIS किया। यहाँ पर मुझे क्वांटिटी डालनी है तो यहाँ पर एक लॉट नहीं डालना, क्वांटिटी जितनी होती है उतना डालना है, 50 डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कि कैंडल टाइप आपको नॉर्मल चाहिए, हाइकनाशी चाहिए या रेंको चाहिए, तो नॉर्मल या हाइकनाशी या रेंको जो आपको सिलेक्ट करना कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिग्नल टाइप में आपको मेट्रो आता है, ओनली बाय आता है, ओनली सेल आता है। मेट्रो का मतलब बाय आए तो बाय करना है, सेल आए तो सेल करना है। ओनली बाय का मतलब बाय आए तो बाय करना है, सेल आए तो क्लोज कर देना है, सेल नहीं करना है। और ओनली सेल का मतलब कि आपका सेल आए तो सेल करना है और बाय आए तो उसको क्लोज कर देना है। इस तरीके से आपका काम होता है इसमें इस वाले फंक्शन का। उसके बाद स्टॉप लॉस टाइप आपको नॉर्मल, रेशो, ट्रेलिंग, ब्रेक इवन, ये सब ऑप्शन मिल जाते हैं। जहाँ पर नॉर्मल का मतलब है कि आप जो पॉइंट्स में लगाएंगे वो पॉइंट्स लगा सकते हैं, रेशो का मतलब है कि हाई लो से बीच का जो भी डिफरेंस है, जैसे कि जो आपका जो हमने यहाँ पर लगाया था तो यहाँ से लेके इसका जो डिफरेंस था हाई और लो के बीच का,
वो ही डिस्टेंस का आपका टारगेट रहेगा और वही डिस्टेंस का आपका नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। यानी मान लो इन दोनों के बीच का जो गैप था वो 50 पॉइंट्स था, तो 50 पॉइंट का टारगेट हो गया, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, रेशो अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि टारगेट का रेशो कितना, 1 रखना है तो 1 1 मतलब 50, 2 लिखोगे तो 100, 3 लिखोगे तो 150, इस तरीके से मल्टीप्लाई होता जाएगा। उसके बाद आता है ब्रेक इवन का स्टॉप लॉस। ब्रेक इवन और ट्रेलिंग अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, इनके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो फिलहाल हम नॉर्मल को यूज़ करते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 25 पॉइंट्स का टारगेट और मैं स्टॉप लॉस लिखता हूँ 15 पॉइंट का। उसके बाद यहाँ पर आता है टाइम फ्रेम, इसको आप कुछ भी रख सकते हो। ईगल ट्रेडिंग सिस्टम में तो टाइम फ्रेम का मतलब है, लेकिन क्योंकि ये इंट्राडे की स्ट्रेटजी है तो इसमें कोई भी टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट करोगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये रियल टाइम पे काम करती है। तो इमिडिएटली आपका हाई और लो को क्लोज करने के बाद ट्रेड हो जाएगा, तो टाइम फ्रेम इसमें कोई मैटर नहीं करता, कुछ भी आप रख सकते हो। ट्रेड इंट्राडे करना है पोजिशनल, तो बेसिकली इंट्राडे स्ट्रेटजी इंट्राडे के लिए ही है, तो आप इसको इंट्राडे ही रखें। उसके बाद ये स्क्वायर ऑफ टाइम दिया है और स्टार्ट टाइम एंड टाइम दिया है। तो स्टार्ट टाइम एंड टाइम का मतलब है कि कितने बजे से कितने बजे का आपको जो हाई और लो कैप्चर करना है। तो इसमें डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है 9:15 और डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है 9:30, तो 9:15 से 9:30 के बीच का हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसको आगे बढ़ाया घटा सकते हैं। जैसे आप इसको 31, 32, 40, 45 जो आपको मर्ज करे उस हिसाब से सेट कर सकते हो। ये फिक्स नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है, हर एक चीज़ यहाँ पर फ्लेक्सिबल है। कोई भी चीज़ हमने फिक्स नहीं करी है, कोई भी चीज़ पर आपको बाउंडेशन नहीं है कि आपको यही यूज़ करना है। आप अपनी मर्जी से टाइम सेट कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से पैरामीटर सेट कर सकते हो, स्टॉप लॉस टारगेट जो आपका मन करे आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है, सब कुछ ओपन है। स्क्वायर ऑफ टाइम 3 बजे का डाला हुआ है, इसको आप 3:05, 10 मिनट, 10-15 मिनट जो आप करना चाहो उस तरीके से कर सकते हो। बेसिकली 3:10 से बाद का अगर टाइम डालते हो तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि ट्रेड आपकी कटे ना या कुछ हो जाए, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। सेव करने का आपको ऑप्शन मिलता है, जैसे आप सेव करते हो तो यहाँ पर एक देखोगे कार्ड बन गया, इस कार्ड को हमें स्टार्ट कर देना है। इस तरीके से ये स्टार्ट हो गया, तो जैसे ही स्टार्ट होता है उसके बाद इसमें ऑटोमेटिक ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है और जब भी हाई या लो ब्रेक होंगे तो आपका ट्रेड यहाँ पे पंच हो जाएगा। ठीक है, इसमें अभी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा है किस तरीके से काम करेगा। ओके, उसके बाद हम आते हैं ऑप्शंस में। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप क्या करेंगे, तो आपको जाना होगा ऑप्शन ट्रेडिंग में और ऑप्शन स्ट्रेटजीज में। यहाँ पर जाने के बाद आप सिंबल सिलेक्ट करेंगे, किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर आप आपको डेट, मंथ और ईयर डालना है। जैसे कि यहाँ पर आप बैंक निफ्टी करना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कब होती है आपको देखना होगा, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी का डेट क्या है और मंथ क्या है और आपको ईयर क्या है। जब आप इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक आपको आएगा टोस्ट जिसमें लिखा होगा इंस्ट्रूमेंट वैलिड, यानी कि इंस्ट्रूमेंट जो आपने सिलेक्ट किया वो करेक्ट है, सही है। उसके बाद आपने यहाँ पर MIS किया और स्टॉप लॉस टारगेट भी आपने अपने हिसाब से सेट किए, बाकी के सारे फंक्शन सेम है एज इट इज़ हैं जो मैंने आपको पहले बताए, अभी भी इसमें भी सेम है। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं फिर से यही सिलेक्ट कर रहा हूँ और सारा कुछ मैं एज इट इज़ वही सिलेक्ट कर रहा हूँ, कुछ डिफरेंस नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद सेव कर रहा हूँ, तो अब क्या होगा, इसमें यह होगा कि जब आपका ट्रेड बनेगा, कोई भी ट्रेड बनेगा, बाय का अगर ट्रेड बनेगा बैंक निफ्टी में तो आपका कॉल बाय होगा, और जब आपका सेल का ट्रेड बनेगा तो उसके बाद आपका कॉल का जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा और पुट का पोजीशन ऑटोमेटिकली ले लेगा। यानी कि आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट में मेरा बाय करना है, कौन से में सेल करना है, ऑटोमेटिकली एट द मनी आपका ट्रेड ये कर देगा। इसमें इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी का भी ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप इन द मनी या आउट ऑफ मनी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, बहुत ही आसान है। यहाँ पर जब आप जाओगे तो आपको देखेगा यहाँ पर आप देखोगे OTM और ITM का दिया हुआ है, जिसमें गैप डालेंगे आप, जितने भी गैप का आपको करना है उस हिसाब से आपका ट्रेड यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज़ आपको इम्पॉर्टेंटली ध्यान रखनी है कि अगर आपका कोई ट्रेड चालू है, कोई ट्रेड चल रहा है, तो उसके बाद आप स्टॉप लॉस या टारगेट मॉडिफाई ना करें, क्योंकि वो काम नहीं करेगा। जो एक बार फिक्स हो गया वो फिक्स रहता है, बार बार इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप एक ही बार में सिलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद आप सिलेक्ट करोगे तो वो अपडेट नहीं होगा और आपको ट्रेड में प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, उससे ज़्यादा इसमें कोई टिपिकल चीज़ें नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर फ्यूचर करते हो तो कस्टमाइज स्ट्रेटजी में जा सकते हो एल्गो ट्रेडिंग के फंक्शन में, अगर ऑप्शन करते हो तो यहाँ जा सकते हो। और सिंबल क्रिएट करके आपको उसको स्टार्ट करना होगा, जैसे मैं यहाँ पर अभी स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ। स्टार्ट करने के बाद आपका ऑटोमेटिक ट्रेडिंग शुरू हो जाएगा और जब भी कोई नया सिग्नल बनेगा तो आपका ट्रेड हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये सब चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर जाना चाहते हैं, 6 दिन का ट्रायल लेना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी ट्रायल लिया हुआ है तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम फिर से आपका ट्रायल एक्टिवेट कर देंगे 6 दिन के लिए, आप फिर से उसको चेक कर सकते हैं।
अगर आपके पास कोई अपनी स्ट्रैटेजी है जिसको आप डेवलप कराना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी स्ट्रैटेजी डेवलप करके उसको ब्रिज के साथ कनेक्ट करके दे देंगे। अगर आप बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, वाइट लेवल सोल्यूशन चाहिए आपको, तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।